मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और ज्योतिष जैसे पवित्र विज्ञान में विश्वास रखने वाले हमारे सभी दर्शकों, जब बात चलती है नवग्रहों की, जन्म कुंडली की, राशि की, तो राहु और केतु का विचार किए बिना ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है। और वैसे भी ये कोई फिजिकल प्लैनेट तो है नहीं, राहु शनि की छाया है और केतु मंगल की छाया है। ये दोनों ने पॉलिटिक्स, स्पेशली राहु ने एक छल कपट षड्यंत्र रच के अमृत पान किया और आज हम रोजाना उन्हें याद करते हैं। जितने भी लोग एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सीबीसीआईडी में हैं, क्रिकेटर हैं या किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में हैं, तार्किक बुद्धि वाले हैं, बहुत बड़े विचारक रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो अपने दिमाग का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, जिनके अंदर अलग प्रकार का एक हुनर है, प्रतिभा है और कला है, वो राहु के आशीर्वाद के बगैर हो ही नहीं सकते हैं। ये असंभव है कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनका राहु स्ट्रांग ना हो या राहु की पोजीशन अच्छी ना हो और वो ये सब में कामयाब हुए हों। इसलिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, राहु का राशि परिवर्तन हम सबके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, किस प्रकार से राहु हमारे देश, हमारे दुनिया और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर असर डालेंगे, यही विचार आज मैं करने वाला हूं। 17 अगस्त को राहु जो है वो अपनी राशि को परिवर्तन करने वाले हैं और तकरीबन 18 अगस्त से 26 अप्रैल 2018 तक आश्लेषा नक्षत्र में और बाद में पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। 17 अगस्त को राहु देव अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। वो सिंह राशि से कर्क राशि में, क्योंकि हमेशा वक्री चलते हैं, पीछे चलते हैं, हम सब दुनिया में कोशिश करते हैं कि हर साल आगे चले, लेकिन राहु और केतु पीछे चलते हैं। और वहीं केतु देव कुंभ से मकर राशि में गोचर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ राहु की बात करेंगे। तकरीबन 18 महीने तक, 6 मार्च 2019 तक, यद्यपि राहु एक छाया ग्रह है पर मानव जीवन पर इनका विशेष प्रभाव रहता है। वैसे तो राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन सब पर यह छाया हुआ ग्रह है, असामान्य, अचानक, अलौकिक, अजब गजब की घटनाओं के जन्मदाता राहु का गोचर सुखद और दुखद दोनों हो सकता है। जितने भी लोग लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसते हैं, जितने लोगों का पैसा फंसता है, नुकसान होते हैं, धोखे होते हैं, ऐसी कुछ असामयिक घटनाएं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हल्का फुल्का तो हम अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं कि मैं ये गलत काम करता हूं, मेरा इसका परिणाम ये हो सकता है, मैं बड़ी तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा हूं, बारिश का मौसम है, हो सकता है स्किड हो जाए। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जो आपने कभी सोची भी नहीं, वो आपको मिल जाती है, और ऐसा राहु लाभ देता है कि जैकपॉट निकल जाए आपका, एक गरीब आदमी को करोड़ों रुपए का उपहार मिल जाता है। ऐसी धन की वर्षा करता है राहु कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये निर्भर करता है कि यह किस राशि, नक्षत्र, किस हाउस में और भावेश के साथ, भावेश का मतलब है कि किस घर के मालिक के साथ है। मान लीजिए मैं एक दोस्त है मेरा कोई, वो दोस्त का अपना भी कोई मकान है, तो वो मकान यानी भाव और भावेश यानी उस मकान का मालिक। वैसे ही शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव लोगों के अनुसार, कैसा आपका जीवन किन लोगों के साथ है, वैसा ही राहु किन ग्रहों के साथ है, उस पर हम जोड़ते हैं। पहले हम बात करेंगे राहु देव की, जो सिंह राशि से कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या है राहु? राहु का रहस्यम देखना ना भूलिए, ये YouTube पर मेरा एक कार्यक्रम है, राहु रहस्यम, इसकी एक सीरीज है, उसको जरूर देखिएगा तो आप राहु के बारे में जान पाएंगे। छल यानी षड्यंत्र, माया, छाया, भ्रम, गलत फहमिया, डर, अज्ञात भय, ये हमेशा एक चिंता बना के रखना, खेत खलिहानों से सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का काम है इसका। गली में खेलता हुआ एक क्रिकेट युवक जो क्रिकेट खेलता है वो इंटरनेशनल प्लेयर कैसे बन जाता है, ये एक राहु ही करवा सकता है। बाथरूम सिंगर को कैसे दुनिया जानती है कि ये दुनिया एक सिंगर के नाम से जानती है, वो राहु करवाता है। कैसे एक गली मोहल्ले में नुक्कड़ की सभाएं करने वाला इंसान कई बार मंत्री बन जाता है और पॉलिटिक्स में अपना मुकाम हासिल कर लेता है। यह मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार फल देता राहु, क्योंकि यह शनिवत ग्रह है और शनि एक प्रकार से हम उन्हें न्यायाधीश कहते हैं, जज कहते हैं। राहु मन के कारक चंद्रमा की जलीय व चर राशि
कर्क में गोचर कर रहे हैं, यानी राहु चंद्रमा के घर में जा रहे हैं। चंद्रमा मनसो जातक है, मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, तो निश्चित है राहु का धुआं भय भ्रम मन को आकुल व्याकुल बेचैन अशांत व चिंतित करने की संभावनाएं ज्यादा है। क्योंकि जितने भी लोगों को मेंटल टेंशन है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, कंफ्यूज है, डबल माइंड है, नेगेटिव थिंकिंग है, उनको अननोन फियर रहता है, हमेशा एक डिप्रेशन रहता है, एक प्रकार का घबराहट बेचैनी डर रहते हैं, वो लोग डिसीजन मेकिंग पावर उनकी कमजोर है, तो राहु निश्चित रूप से चंद्रमा के घर में जाकर डिस्टर्ब करेगा। जब तक इस पर कोई शुभ दृष्टि न हो, यदि भी स्त्री कारक ग्रह राशि कर्क में राहु को शुभ माना जाता है, पर चंद्रमा और राहु की दुश्मनी जग जाहिर। बात करें भारत की, तो भारत का लग्न वृषभ और राहु भारत के पराक्रम भाव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में राहु का गोचर शुभ है, क्योंकि थर्ड हाउस में इलेवंथ हाउस में राहु को बहुत बढ़िया माना गया है। राजनीतिक स्थिरता व स्त्रियों के लिए राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, राजनीति का शुद्धिकरण होगा, घोटालों में कमी आएगी, साइंस डिफेंस और स्पोर्ट्स में नए आयाम रचे जाएंगे, आतंकवाद को नियंत्रित करने में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल होगी, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा व सरकारी प्रयास नाकाफी हो सकते हैं। तो हमारे जो पड़ोसी देश है उसमें पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में गर्मी और बढ़ेगी व यूएनओ में यूनाइटेड नेशंस में महत्वपूर्ण नेतृत्व मिलने की संभावना भारत को मिलती है। पर हां, सुनामी बाढ़ अतिवृष्टि खतरा बढ़ने की संभावना है, भूकंप वॉल्केनो ये बहुत सारी चीजें हमें सहन करनी होगी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ेंगे, लोगों के अंदर तनाव बढ़ेगा, टेंशन और डिप्रेशन बढ़ेगा, अज्ञात भय रहेगा, लोगों को हमेशा एक डर रहेगा कि मेरे साथ कल कुछ हो ना जाए, ये राहु में होना ही होना है। लेकिन हम सब बिना कारण भी व्यस्त होने जा रहे हैं, अति महत्वाकांक्षा के कारण हमें थोड़ा डिप्रेशन बढ़ेगा, विश्व भर में योग का दबदबा बढ़ेगा, मेडिटेशन का दबदबा बढ़ेगा। अब बात करते हैं राहु के विभिन्न राशियों में गोचर की, तो राहु क्या फल देगा। तो जिन राशियों से राहु थर्ड सिक्स और इलेवंथ हाउस में है उन पर तो वो शुभ रहेंगे, यानी कि वृषभ और कन्या राशि और कुंभ राशि पर तो शुभ रहेंगे, वही मिथुन कर्क तुला पर थोड़ा सा सामान्य असर देंगे। लेकिन मेष सिंह वृश्चिक धनु मकर मीन राशि पर अशुभ रहेंगे। राहु के गोचर फल को अपनी महादशा अंतरदशा के संदर्भ में देखने का प्रयास करें तो बेहतर हम प्रेडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि राहु अपने राशि परिवर्तन में हर राशि पर क्या क्या असर दिखाने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राहु के राशि परिवर्तन में मेष राशि की। आपकी राशि से सुख भाव, माता के भाव, भूमि भवन पॉलिटिक्स, जो हमारी जमीन जायदाद होती है, जो हमारा सुख है, उस भाव में चतुर्थ भाव में राहु का आना और पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव जो कि हमारा कॉमन सेंस का घर है, हमारे रिसर्च का घर है, उस पर देखना, सातवीं दृष्टि से हमारे कर्म भाव पर देखना, दशम भाव पर पिता के भाव पर देखना, और वही नवमी दृष्टि से व्यय भाव विदेश भाव लीगल कॉम्प्लिकेशन के भाव पर दृष्टि डालना। राहु का धुआं सेहत सुख दोनों पर भारी पड़ सकता है, किसी बुजुर्ग की जुदाई और हमारी सेहत की चिंता ये दोनों परेशान कर सकती, घर में किसी की मृत्यु हो सकती है, बड़े बुजुर्ग की, मां को बड़ा कष्ट हो सकता है। जमीन जायदाद का कोई भी आप काम करते हैं, वाहन खरीद रहा हो, जमीन जायदाद के सौदे बहुत ज्यादा सोच समझ के करने होंगे, क्योंकि राहु कई बार ऐसी जमीन हमें दिलवा देता है, ऐसा कुछ सौदा करवा देता है कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। घर व नौकरी दोनों में परिवर्तन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही है, पर सुकून व संतोष की बहुत ज्यादा कमी आपको खलेगी। जितना आप अपने पैर पंख फैलाएंगे उतना ही आपके मानसिक तनाव पड़ेगा, इसलिए बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी डिस्ट्रैक्टेड महसूस करेंगे, उनको भटकाव महसूस होगा, उसमें सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, गलत संगत में फंसना, ये सब चीजें आपको ऐसा लगेगा कि शांति दे रही है, वो आपको दुखी करने का काम करेंगे। ट्यूशन व कोचिंग के चक्कर आप जरूर लगाते रहेंगे लेकिन आपका मन नहीं रहेगा। फिजिकल अटेंडेंस तो हमारी हो सकती है लेकिन मेंटल अटेंडेंस हमारी नहीं होगी। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने का बानस बन सकता है। खर्चों का गणित उलझता और सुलझता रहेगा। कीमती सामान चोरी हो सकता है। व्यावसायिक यात्राओं का दौर चलता रहेगा। उच्च अधिकारियों से रिश्ते बनते और बिगड़ते रहेंगे। कुछ इस तरह
का दौर चलेगा कि चाहकर भी घर में चैन से न रह पाएंगे। माता को जितना प्रसन्न रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, उनको जितना मेंटली आप सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं उतना अच्छा है। राहु के कष्ट उतने ही करते जाएंगे। जो दूध में भिगोकर पानी में बहाए जाओ को तो चिंता नहीं चिंतन करनी चाहिए। इस समय विशेष में जितनी सफेद चीजों का दान करेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा।